बिहार में 90 के दशक के चर्चित गैंगस्टर रहे अशोक महतो जेल से निकलने के बाद अब राजनीति के मैदान में आ गए हैं। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अशोक महतो की पत्नी को मुंगेर सीट से लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला किया है। लालू यादव ने अशोक महतो और उनकी पत्नी को खुद अपने हाथों से पार्टी सिंबल देकर इसका ऐलान कर दिया है। बता दें कि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी का सीधा मुकाबला जेडीयू के कद्दावर नेता लल्लन सिंह से होगा। एनडीए की तरफ से मुंगेर से लल्लन सिंह का चुनाव मैदान में उतरना तय माना जा रहा है। उम्मीदवारी तय होने के बाद गुरुवार की देर रात अशोक महतो अपनी पत्नी अनीता देवी के साथ लालू यादव से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंचे थे। आरजेडी से सिंबल मिलने के बाद अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने कहा कि वह बड़ी जीत हासिल करके दिखाएंगी। अशोक महतो ने दावा किया कि वह ललन सिंह को मुंगेर से हरा देंगे। लालू यादव से आशीर्वाद लेकर अशोक महतो और उनकी पत्नी अनीता देवी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट नजर आ रही थी वो देखने लायक थी। लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए ही अशोक महतो ने पिछले दिनों 55 साल की उम्र में अचानक से शादी कर ली थी। खरमास के महीने में जब शादी के लिए शुभ मुहूर्त नहीं होता है तब अशोक महतो ने 46 साल की अनीता से शादी रचाई। इसका कारण ये था कि आपराधिक मामलों में दोषी होने की वजह से वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बता दें कि अशोक महतो के ऊपर कई नरसंहार में शामिल होने के आरोप रहे हैं। महतो 17 साल तक जेल में रहकर बाहर आए हैं। बीते 10 दिसंबर 2023 को रिहाई मिली थी जिसके बाद वो चुनावी तैयारी में जुट गए थे।